अरे दीपड़ा मथा हो रही है, आप लोग सुस्त हो गए हो। हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास दो लोग मिनिस्टर बन गए हैं। तो क्या हम लोग क्या अपने लोगों के बारे बात नहीं करेंगे? सिर्फ मिनिस्टर को ही बात करना है? मैं अपने पूरे वॉरियर्स को, तिपरा मथा के वॉरियर्स को, YTF के वॉरियर्स को अभी बोलना चाहता हूँ, जहां जहां में प्रॉब्लम है आप लोग जाके मिलिए और जाकर अपने लोकल ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्यूटेशन दीजिए। हमें पब्लिक ने चुना है अपने लोगों का, बुकुंगबारा का, तिपरा सा का बात करने के लिए, तो हमको बात करना पड़ेगा, अपने लोगों को अधिकार देना पड़ेगा। रहा बात सीए का, मेरा पोजीशन वही है कि एडीसी एरिया त्रिपुरा ने बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स को लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून कहता है कि एडीसी एरिया में एक भी इलीगल इमिग्रेंट को जो सीए से आया है उनको हम जगह नहीं देते। ये मेरा पोजीशन है, ये पोजीशन था, है और रहेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक आश्वासन दिया है, कमिटमेंट दिया है हमें कि एडीसी एरियाज में, सिक्स शेड्यूल एरिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। अगर वहां में कोई सेटल होने का कोशिश करता है तो तिपरा मोथा और तिपरा मोथा के वॉरियर्स को हर जगह में काम करना चाहिए। आपको भूलना मत, आप प्लीज मत भूलिए कि आपको हमारे तिपरा सा, गरीब तिपरा सा ने एक जगह दिया है। और पावर में हमने अग्रीमेंट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप बैठेंगे। आपको कानून समझना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना तिपरा सा कम्युनिटी को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग एडीसी एरिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, और अगर सीए में कोई आता है तो उनको जनरल एरिया में रहने दीजिए, लेकिन जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन सिक्स शेड्यूल एरियाज, विच इज द TTAADC। और गांव में जाकर मिलिए लोग से, जहां में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मिलकर डीएम लेवल में, एज ब्लॉक लेवल में डेप्यूटेशन दीजिए। आपका काम है अपने लोगों के लिए बात करने के लिए। दिस इज बुबा मलाई मोहम्मद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वाइल द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली द सिक्स शेड्यूल एरियाज इंक्लूडिंग इन त्रिपुरा, हैव बीन एग्जेम्प्टेड, आई एम स्टिल कंसर्न्ड अबाउट द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ पीपल हु विल बी इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। माई केस इन द सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल पेंडिंग, एंड वी वुड लाइक टू बी इवन क्लियरर that on what grounds and what will be the mechanism to check if the migrant illegally has entered our country. Did he enter before 2014? What are the records? Somebody can come in today in 2019, 2023 and claim so. We would like to know under what process, what are the documentations which will be given? Where will the person stay? Will he stay inside the six schedule areas or outside the six schedule areas? All these things have to be examined, and only after that we will be satisfied. The stance of Tipra Motha and mine is very clear. We do not agree with the present system of Citizenship Amendment Act. And while we may be an alliance partner with the BJP, our line is very clear. We do not agree on demographic change of states in Northeast, because our indigenous population is very small, and if we do not have a proper system, then many people can come and say that they have been here for years. Who will check, who will verify these documents, these papers? There should be transparency, and these are legitimate concerns and they have to be addressed. पानी सारे गा सारे पामागा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, आपुनार चे आपुन।